एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। साथियों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और हमारे बीच पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी माननीय कलीराम आनंद जी यहाँ पर मौजूद है। वो बाबरपुर विधानसभा से पार्टी के उम्मीदवार हैं और यहाँ पर प्रचार भी कर रहे हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं। स्वागत है सर आपका एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क में। थैंक यू सर। दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और आप दिल्ली के रहवासी हैं, रिहायशी हैं, तो कैसे देखते हैं दिल्ली की समस्याओं का? क्या क्या, कौन सी मुख्य समस्या है दिल्ली की? मैं पहले सभी को जय भीम जय मूलवासी। मैं दिल्ली के करीब में ही लगभग 5 किलोमीटर दूर रहता हूँ और यहाँ पे जब दिल्ली के अंदर मैं आया तो मैंने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, एक छोटी सी इंडस्ट्री लगाई। मैंने देखा उस टाइम आज से 30-35 साल पहले सभी लोग जो छोटी छोटी इंडस्ट्री चला रहे थे, छोटे छोटे इक्विपमेंट बना रहे थे, तो उनके कारोबार बहुत अच्छे चल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े और हम लोग थोड़ा सा कारोबार में सफल होने की स्थिति में आए तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि विभिन्न सरकारों ने, जो ब्राह्मणवादी सरकारें हैं, उन्होंने जो छोटे छोटे काम करने वाले, उद्योग करने वाले दुकानदार, जो छोटे छोटे स्तर के दुकानदार थे, उनको यहाँ से प्रताड़ित करना शुरू किया। और मैं यहाँ तक प्रताड़ित किया कि उनके जो कारोबारों को ऐसे उजाड़ दिया जैसे ये बहुत बड़े क्राइम कर रहे हैं, वो क्रिमिनल्स हों, उनके कारोबारों को इस तरह से उजाड़ दिया। और यहाँ तक उसमें गवर्नमेंट ने यहाँ तक पॉलिसी बनाई कि उनको कारोबार बंद करके, सील लगा करके खुला छोड़ दिया गया कि मरने के लिए चाहे तुम मरो, चाहे तुम गिरो, चाहे तुम भूखे मरे, तुम्हारे बच्चे पढ़े ना पढ़े, तुम्हारे बच्चों को शिक्षा मिले या ना मिले, स्वास्थ्य मिले या ना मिले, लेकिन उन्हें खुला छोड़ दिया गया रोड पर मरने के लिए। ये इस बात को देखकर मुझे बहुत महसूस हुआ और इतना महसूस हुआ कि मेरे आसपास के लोग जो काम कर रहे थे बहुत अच्छी तरह से काम, वो भूखे मरने के कगार पर आज हैं। कुछ ने यहाँ से दिल्ली में से अपनी रिहाइश को बदल करके अपने जो पुराने गांव थे वहाँ पे चले गए, जब उनकी जीविका नहीं चली, उनके बच्चों का पालन पोषण नहीं हुआ, उनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिली, उनके बच्चों को हेल्थ की सुविधा नहीं मिली, तो वो छोड़ छोड़ करके गाँव जाए। छोटे मोटे धंधे करने वाले, व्यवसाय करने वाले, छोटे मोटे धंधे करने वाले, इनकी समाधान कैसे होगा, इन समस्याओं का समाधान? इन समस्या का समाधान हम जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं, यदि हमें यहाँ का समाज, हमें सत्ता में पहुँचने के लिए अपना प्रतिबद्ध होता है और सत्ता में पहुँचाता है, तो हम निश्चित ही कुछ ही समय के अंदर हमारे जो बुद्धिजीवी साथी हमारे साथ हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं पार्टी के अंदर, वो उनके परामर्श के साथ हम बहुत ही जल्दी से जल्दी, ये मतलब 1-2 साल में हम इस स्थिति में पहुंच सकते हैं कि यहाँ पे जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, गरीब हैं, उनको हम हर तरह की सहायता, कारोबार के अंदर, नौकरियों के अंदर, छोटी छोटी दुकानों के अंदर, उनको बना के देंगे और ऐसे क्लस्टर्स का निर्माण करेंगे ताकि वहाँ पे इस तरह के छोटे छोटे काम करने वाले लोग बगैर किसी परेशानी के अपने कारोबार कर सकें। जीएसटी का भी मुद्दा आया है, जीएसटी से भी बहुत ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है। हाँ, जीएसटी से भी, जो जीएसटी गवर्नमेंट ने तय किए हैं, पहले तो उसमें जीएसटी जब लगाए गए पहले 28% और 30%, 35%, 32% तक भी, क्योंकि मैं व्यापारी हूँ, मेरे पास जीएसटी नंबर है और मैं छोटा कारोबार कर रहा हूँ, तो मुझे इतना बुरा फील होता है कि एक किसी चीज़ की कीमत जो है, मान लिया 100 रुपये है, तो उस पर 30-28 रुपये जीएसटी लग जाता है और उस जीएसटी को जो लास्ट परचेजर है, जो कंज्यूमर है, वो उसी को पे करना पड़ता है। यानी
₹100 की चीज पर 28-30% GST देना, अब कितना बड़ा रिवेन्यू गवर्नमेंट के पास इकट्ठा होता है। यहाँ पे हमें लाखों करोड़ रुपए का जब सरकार के पास फंड इकट्ठा होता है, लेकिन इतना फंड इकट्ठे होने के बाद वो जाता कहाँ है, बजट में नहीं आता। वो मतलब वो सहूलियतें यहाँ की जनता को नहीं मिल पाती, आम आदमी को नहीं मिल पाती। मैं आज बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर प्रचार के लिए गया, डोर टू डोर मैंने मुलाकात लोगों से की, तो मैं ये देखता हूँ कि सफाई के नाम पे कुछ भी नहीं है। यानी सरकार जिसे केजरीवाल कहते हैं कि मैं इसको पेरिस बनाऊँगा, मैं इंडिया मैं वर्ल्ड की नंबर वन सिटी बनाऊँगा, बस्ती के अंदर जो नालियां हैं उनके अंदर स्मेल है, उनके कीड़े चल रहे हैं उनके ऊपर, और उसके ऊपर सरकार का कोई भी ऐसा नहीं लगता कि यहाँ सफाई नाम की कोई चीज़ है। तो हम सब इन, यदि हम सरकार में आते हैं तो हम इन सभी चीज़ों को, जो ऐसे क्लस्टर हैं जहाँ कमज़ोर वर्ग के लोग रहते हैं, उनको बिल्कुल साफ़ सुथरा रखेंगे ताकि उनके बच्चे स्वस्थ रहें, उनके बच्चे अच्छे वातावरण में। दिल्ली में और एक मुद्दा बहुत ज़्यादा उठता है, सीवर में काम करने वाले जो सफाई कर्मचारी हैं, लगातार वहाँ पर उनकी मौतें होती है, कैसे मतलब कैसे सॉल्व करेंगे आप? बहुत बड़ी समस्या ये आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। ये कई साल से केजरीवाल सरकार इस बात को कह रही है कि हम जो शिविर में काम करने वाले हैं उन्हें बहुत सारे बहुत अच्छे यानी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट देंगे जिनसे कि वो सफाई कर सकें, लेकिन मैं देख रहा हूँ केजरीवाल सरकार पूरी 5 साल हो गई है और आज भी गटर के अंदर गटर को साफ करने वाले लोगों की मौत हो रही है। और ताज्जुब ये है कि जब एक कोई सड़क के ऊपर कोई पुलिस या दूसरे तंत्र का कर्मचारी की डेथ होती है, वो तो 1-1 करोड़ रुपए दे दिए जाते हैं सहायता के तौर पे, और जब एक सफाई कर्मचारी की गटर के अंदर मौत होती है तो उसको 10-10 लाख रुपए भी नहीं दिए जाते। वो लोग परेशान होने के लिए गवर्नमेंट के अफसरों के पास जाते हैं, मंत्रियों के पास जाते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। ऐसे बहुत सारे केस मेरे पास हैं जो सफाई कर्मचारियों के हैं कि उनको 10-10 लाख या 2-2 लाख भी ठीक से नहीं मिलते। ऐसे भी केस हैं कि गवर्नमेंट सफाई कर्मचारियों को टाइम पे तनख्वाह नहीं देती। पास इसका क्या समाधान? तनख्वाह नहीं, हमारे पास समाधान है, जैसे ही हम सत्ता में पहुंचेंगे हम सफाई कर्मचारियों को सबसे पहली सहूलियत देंगे कि उन्हें समय पे सैलरी मिलेगी, उन्हें जो न्यूनतम जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की रोजगार में वो पैसे देने की, हम उससे भी कहीं ज़्यादा कई गुना ज़्यादा देंगे ताकि वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें, अच्छी अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उनको मिल सकें, और उनका जो सामाजिक जीवन है जो आज हिकारत की दृष्टि से देखा जाता है, उनको सामाजिक दृष्टि में उच्च दृष्टिकोण से देखने का हम प्रयास करेंगे। दिल्ली में बिजली सड़क पानी का मुद्दा लगातार बना हुआ रहता है, और अभी जी की सरकार केजरीवाल जी बता रहे हैं कि हमने बिजली मुफ्त में लोगों को देने का काम किया है, कैसे दिखते हैं आप? सर ये फ्री का जो मुद्दा केजरीवाल सरकार ने उठाया है, जो वास्तविक मुद्दे हैं कि उसने 5 साल के पहले जब सरकार बनाने के टाइम पे जो वायदे किए थे उन वायदे में किसी भी वायदे को उसने नहीं निभाया। टीचर्स हैं, टीचर्स को उसने कहा था जो ठेकेदारी प्रथा पर जो रखे हुए थे उनको कि हम पक्का करेंगे, उनको किसी को पक्का नहीं किया। सफाई कर्मचारियों को कि हम परमानेंट रखेंगे, उनको परमानेंट नहीं किया। अभी मेरे कितने साथी ऐसे हैं जो सफाई कर्मचारी है, उनको किसी को भी पक्का नहीं किया, वो लगातार संघर्ष करते हैं, यूनियन के माध्यम से संघर्ष करते हैं, और तो और बल्कि वो कोर्ट तक भी जाते हैं, केजरीवाल से खुद जाके मिलते हैं, लेकिन उनको किसी भी तरह का सहायता नहीं मिल पाता। आपकी विधानसभा में कांग्रेस का उम्मीदवार है, बसपा का उम्मीदवार है, भाजपा का भी उम्मीदवार है, कैसा देख रहे हैं आपकी लड़ाई किससे? सर जहाँ तक मैं कांग्रेस के उम्मीदवार की बात करता हूँ वो मेरे पास ही रहते हैं, जो कांग्रेस का उम्मीदवार है
आपके घर के पास रहते हैं? वो घर के पास रहते हैं, मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ। यदि समाज में जाकर उसकी उसको देखा जाए ना, उसका करेक्टर कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है समाज में, तो मेरे ख्याल से उसका जो निंदनीय व्यवहार है उसको जनता स्वीकार नहीं करेगी। और उसको बुरी तरह से, मुझे लगता है कि आज जब मैं प्रचार के लिए गया हूं तो जनता उससे इतनी नाराज है कि उसको बुरी तरह से हराएगी। यार छोड़िए, बीजेपी है इतनी बड़ी भी केंद्र में सत्ता में, उनका उम्मीदवार भी आपके विधानसभा से है, आप जो अभी सत्ता में चल रही है वो भी आपके विरोध में मतलब खड़े हैं, चुनाव कंटेस्ट कर रहे हैं, आप कैसे मतलब आपने अच्छा प्रश्न किया कि बीजेपी का जो यहाँ से पूर्व में विधायक रहे हैं, शायद 3 बार वो विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी शायद रह चुके हैं, लेकिन उनके काम से यहाँ की जनता, जब मैं आज गया हूँ विधानसभा के अंदर प्रचार के लिए, डोर टू डोर मिला हूँ, तो उनका भी यही कहना है कि इसने जो जो बीजेपी के विधायक हैं, इन्होंने उस समय में कुछ भी जनता का काम नहीं किया, केवल एक आश्वासन के तौर पे छोड़ दिया, जैसे आज आश्वासन सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, इसी तरह हमारे जो बीजेपी के विधायक थे उस टाइम में अपने कार्यकाल के अंदर इन्होंने कोई विशेष काम नहीं किया जिसको यादगार, जैसे यहाँ पे कोई स्कूल नहीं खुलवाया गया, कांग्रेस की सरकार उसने भी स्कूल नहीं खुलवाए, जो केजरीवाल सरकार ने घोषणा की मैं इतने स्कूल खुलवाऊंगा, मेरे ख्याल से बाबरपुर विधानसभा के अंदर एक भी नया स्कूल नहीं खुलवाया है, जबकि यदि 70 विधानसभाओं में स्कूल की बात करें तो 7 बाबरपुर की विधानसभा के अंदर 7 स्कूल बनवाए जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं हुआ, कोई नहीं बनवाया। अब रही कि उनको साफ सफाई का, साफ सफाई स्कूलों की करवा देने से या उसको कब्रों को ठीक बनवा देने से, तो आपको लगता है शिक्षा ठीक नहीं हो सकती, तो आपको लगता है कि मतदाता जो है इन सब तीनों को नकार देंगे, बाकियों को नकार देंगे, आप अंत में आपके जो मतदान विधानसभा के जो मतदार हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपनी विधानसभा के जो वोटर्स हैं उन्हें संदेश देना चाहता हूं, यदि यहां की जनता मुझे वोट देकर सफल बनाती है तो मैं अपनी पार्टी के सीनियर्स के माध्यम से सलाह लेकर जल्दी से जल्दी पब्लिक की समस्याओं को शीघ्र हल करूंगा, उन्हें स्वास्थ्य की समस्याएं हैं उनसे निजात दिलाऊंगा, और जो उनके बच्चों की एजुकेशन की समस्या है उससे निजात दिलाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि एक अमीर परिवार का बच्चा और एक गरीब परिवार का बच्चा एक ही स्कूल में शिक्षा ग्रहण करें, एक मंत्री का बच्चा और एक गरीब परिवार का बच्चा एक ही स्कूल में शिक्षा प्राप्त करें, तभी उनमें बराबरी आएगी, तभी उनमें रेस्पेक्ट, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करने की बातें सामने आएंगी, ऐसा मैं समझता हूँ। ये थे बाबरपुर विधानसभा पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी माननीय कलीराम जी आनंद, उनको हार्दिक बधाई हम देते हैं, और आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर किए, कमेंट करिए, धन्यवाद।